गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी विल डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 7, बुक फ्रॉम हनीसकल। द टॉपिक इज फेयर प्ले। नाउ स्टार्ट। हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है कुछ तुम्हारे लिए गलत भी कर सकता है? व्हाट डिड यू डू देन? तब तुम क्या करोगे? डिड यू कीप क्वाइट? क्या चुप रहोगे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? और क्या तुम अपने दोस्त को बताओगे कि उसने क्या किया है या तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। इस स्टोरी में हम दो मित्रों के बारे में पढ़ेंगे। वो हैड टू डिसाइड, जिन्होंने डिसाइड किया व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, कि ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप इन एनिमिटी, मित्रता या दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और एक भाव कि क्या सही है और क्या गलत है। नाउ आवर लेसन इज स्टार्ट। दो फ्रेंड की स्टोरी है बच्चों ये। फर्स्ट नेम इज जुमन शेख एंड सेकंड इज अलगू चौधरी। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। मीन्स क्या है, फर्स्ट इंडिया में बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त जो हैं, जुमन शेख और अलगू चौधरी जो हैं, बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। उनकी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा गहरी थी, गुड थी, कि अगर उनमें से कभी किसी को, एक को गांव से बाहर भी जाना पड़ता था तो द अदर लुक आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा जो दोस्त था वो उसके फैमिली की लुक आफ्टर, देखभाल करता था। एंड दोनों के दोनों जो थे बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड। गाँव में उनकी बहुत ज़्यादा क्या थी, रिस्पेक्ट थी। सेकेंड, जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुमन की एक आंट थी ओल्ड, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन इज अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम। ये उसको इस अकाउंट पर या इस वे में ट्रांसफ़र करना चाहती थी कि वो जुमन के साथ रहेगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और जुमन उसकी जो है लुक आफ्टर, देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल्स ऑफ ईयर। कुछ सालों तक तो अरेंजमेंट जो थे, प्रबंध जो थे, बढ़िया चल रहे थे कपल्स के लिए। देन द सिचुएशन चेंज, धीरे धीरे स्थिति बदल गई। जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स। जुमन और उसका परिवार अब इस ओल्ड रिलेटिव मीन्स ओल्ड आंटी से जो थे थक चुके थे। जुमन बिकेम एज इनडिफरेंटेड टू हर एज हिज वाइफ। जुमन भी था जो अपनी आंट के प्रति बदल चुका था, और उसका मोस्टली व्यवहार अपनी वाइफ के प्रति था। वो गार्डेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। और उस लेडीज़ को, ओल्ड लेडी को कितना मिलता था, इवन खाने के लिए भी थोड़ा सा भोजन। शी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स अलोंग विथ हर फूड। वो इन इंसल्ट्स को जो उसके साथ होती थी, इसको ऐसे निकल जाती जैसे वो भोजन को खाती। फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ तक ऐसा चलता रहा। बट पेशेंट हैज इट्स लिमिट, लेकिन पेशेंस, धैर्य की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। वन डे शी स्पोक टू जुमन, एक दिन वो जुमन से बोली, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस, कि ये क्लियर है दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, मैं अब तुम्हारे घर पर नहीं रहना चाहती हूँ। My kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तुम मुझे मंथली खर्चा, अलाउंस मीन्स जो भी, जितना भी मंथ का जो खर्चा है, अगर वो दे दो तो मैं अपनी सेपरेट किचन कर लूँ। My wife knows best how to run the house. मेरी वाइफ जानती है कि घर को अच्छे से कैसे चलाया जा सकता है। Be patient, धैर्य रखो, said Juman shamelessly. जुमन ने कहा शेमलेस लिवे में। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात
ने उस आंटी को बहुत गुस्सा नाराज कर दिया एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने निश्चय किया कि वो अपना केस विलेज पंचायत के पास लेकर जाएगी फॉर मैनी डेज कुछ दिनों के लिए। द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ दिनों तक उस लेडीज ओल्ड लेडी को गांव वालों से बातें करते हुए और अपना केस एक्सप्लेन करते हुए देखा गया ताकि वो उन्हें उसको उनकी सपोर्ट मिल सके। सम सिंपैथेटिक विद हर, कुछ ने तो उसके साथ सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड, कुछ उसके ऊपर हंसे एंड ए फ्यू अदर्स, और कुछ थोड़े बहुत जो थे उन्होंने एडवाइस दी टू मेक इट अप नेफ्यू कि वो अपने इस नेफ्यू और उसकी पत्नी के साथ समझौता कर ले। एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई और उससे बातचीत करने लगी। यू नो चाची, जुमन इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब अलगू ने कहा कि तुम जानती हो कि जुमन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू सेड। बट इट इज राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट स्टे वट यू कंसिडर जस्ट अनफेयर। लेकिन ये भी सही है मेरे सन कि चुप रहो एंड नॉट से कुछ मत कहो वट यू कंसिडर, तुम क्या सोचते हो कि सही है या गलत है। प्लेडेड द ओल्ड लेडी, उस ओल्ड लेडी ने प्रार्थना की। कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ एंड स्पीक द ट्रूथ, जो सच है वही बोलो। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप kept ringing in his, लेकिन जो उस लेडीज ने उस ओल्ड आंटी ने कहे शब्द वो उस अलगू के कानों में बसते रहे। पार्ट सेकंड, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत हुई सेम जो टाइम उन्होंने दिया था बनियन ट्री के नीचे। जुमन स्टूड अप एंड सेड, जुमन खड़ा हुआ और उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि ये इस पंचायत में जो वॉइस ऑफ द पंच, पंचों की जो वॉइस है वही वॉइस की गॉड की वॉइस है। लेट मी आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। नाउ अब मुझे हेड पंच को नॉमिनेट करने दो, आई विल अबाइड फॉर हर डिसीजन, मैं जो भी होगा उनका डिसीजन एक्सेप्ट कर लूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच जो होते हैं वो ना तो दोस्त को जानते हैं ना ही एनिमी। वट डिड यू से टू अलगू चौधरी, तुम क्या कहना चाहोगे अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने डिनाउंस कर दिया। चला गया, द पंच नो सॉरी द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने ये अनाउंस किया। फाइन ठीक है, रिप्लाइड जुमन, हाइडिंग इज जॉय। जुमन ने सोचा कि उसका दोस्त जो है उसके फेवर में ही उत्तर देगा, इसलिए उसने अपने जोए को छुपा लिया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, तुम मेरी फ्रेंडशिप से तो परिचित हो जो मेरी जुमन के साथ है, सेट अलगू, अलगू ने कहा। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंटी का उत्तर आया यस, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन साथ ही साथ ओल्ड लेडी ने यह भी कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी आत्म संचेतना को अपनी फ्रेंडशिप के लिए किल नहीं करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, क्योंकि भगवान जो है पंचों के दिल में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी जो वॉइस होती है वो वॉइस ऑफ द गॉड होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उस ओल्ड लेडी ने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुमन सेड अलगू, जुमन ने अलगू से कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। Your aunt is as dear to me as you. तुम्हारी आंटी मुझे उतनी ही प्यारी है या प्रिय है जितने की तुम। Now I am a punch. अब मैं एक पंच हूँ। You and your aunt are equal before me. तुम दोनों ही मेरे सामने equal हो।
व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहोगी। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुमन, जुमन ने कहना शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने भी प्रॉमिस किया था कि जितनी जब तक वो रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूँगा। एंड आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वैसा किया जितना कि मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, नाउ अब इन दो के बीच में स्टैव क्वार्स लड़ाई झगड़ा होता है, बिटवीन किसके बीच में, माई वाइफ एंड माई आंट के बीच में। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस, लेकिन अब जो मेरी ये आंटी है मंथली मंथ के खर्चे के लिए अलाउंस मुझसे रिक्वेस्ट करती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल, ये वही है आई हैव टू से जो मुझे कहना था। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, इसको एग्जामिन किया गया दूसरे पंचों के द्वारा और अलगू के द्वारा। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, कि हम इस मैटर में केयरफुली बड़ी तह तक सावधानी से जाएंगे। इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में जुमन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, कि जुमन को अपनी आंट को मंथली खर्चा देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो प्रॉपर्टी वापस उनके पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब वो दोनों मित्र शायद ही कभी एक साथ देखे गए हों। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, जो मित्रता उनके बीच में थी वो अब टूट चुकी थी। इन फैक्ट वास्तव में जुमन वाज अलगू एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, जुमन जो था अलगू का दुश्मन बन चुका था और उसे अपना बदला लेना चाहता था। पार्ट थर्ड, डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड इल लक वुड हैव, और बुरा वक्त आया। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी ने अपने आप को टाइट मीन्स टाइट कंडीशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइट, उसके अच्छे जो अच्छे पेयर्स ऑफ बुलक्स मीन्स जो गाड़ी होती है, बैल होते हैं, वो डाइट। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझूशा, और दूसरा जो था उसने उस समझूशा को बेच दिया, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो गांव में ड्राइवर था कार चलाने वाला। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलेट्स इन ए मंथ टाइम, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में ये हुई कि जो वो साहू था बुलेट्स उस बैल की कीमत जो है एक मंथ के अंदर अंदर दे देगा। इट सो हैपेंड, ऐसा ही हुआ, दैट द बुलेट्स डाइड विद इन ए मंथ, और वो एक महीने के अंदर जो बुलेट्स थे डाइड मर गए। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ, कुछ महीनों की डेथ के कुछ महीनों बाद, अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने साहू को उस मनी धन के बारे में रिमाइंड करवाया, याद करवाया। ही हैड नॉट येट पेड, जो उसे अभी तक मिली नहीं थी। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू को बहुत गुस्सा आया, अनॉयड मीन्स एंग्री। आई कैन नॉट पे यू ए पेनी फॉर दिस द रेटेड बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तो तुम्हें उसके लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा, यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रेन, उसने हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिया बल्कि नुकसान ही किया है। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बुलक है, यूज इट फॉर ए मंथ, एक मंथ के लिए इसका यूज़ कर लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, कोई धन नहीं डेड बुलक के लिए, ही सेड एंगरली, उसने गुस्से से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने भी निश्चय किया कि वो इस केस को पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, दूसरी बार कुछ ही महीनों में, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत के लिए जो तैयारियां थी वो तैयार हो गई। बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर स्पॉट्स, दोनों पार्टीज ने लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें स्पॉट मिल सके। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पंचायत फिर बुलाई गई ओल्ड बनियन ट्री के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड, खड़ा हुआ अलगू और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब साहू ने जो कहा हेड पंच को संबोधित किया,
आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं इनके डिसीजन से सहमत हूँ। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन। साहू ने अपना अवसर देखा और हेडपंच के लिए जुमन का नेम अनाउंस कर दिया। अलगुज हार्ट सेंक, अब जो अलगू था उसका हार्ट सेंक मीन्स डूबना, उसका हार्ट डूबने लगा। एंड ही टर्न पेल, और वो पीला पड़ने लगा। बट वट कुड ही डू, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुमन बिकम हेडपंच, वही क्षण अब जुमन जो था वो हेडपंच था। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचाना एज इट इज जज के रूप में। द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, और वो उस ऊंचे स्थान पर बैठकर उस पद की अहमियत को समझा। हैव हिज रिमेन्स नाउ, क्या अब वो अपना बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अलगू ने सोचा कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस को सच्चाई के रास्ते में आगे नहीं आने देगा, और जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल सच कहेगा और न्याय करेगा। बोथ अलगू एंड साहू सीटेड देयर केस, दोनों ही अपने केस के बारे में थी। दे वर क्रॉस एग्जामिन किए गए एंड देन द केस वॉज कंसिडर डीपली, और उस केस के बारे में गहराई से विचार विमर्श किया गया, सोचा गया। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब जुमन ने खड़ा हुआ और अनाउंस किया। इट इज़ आवर ओपिनियन, ये हमारी ओपिनियन है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक्स, कि साहू अलगू को बुलक्स की प्राइस पे करेगा। वैन साहू ब्रॉड द बुलक्स, जब साहू ने बुलक्स को ख़रीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम डिसएबिलिटी और डिजीज, तो ये बीमारी से ग्रसित था, सफ़र कर रहा था। द डेथ ऑफ द बुलक्स वॉज अनफॉर्चुनेट, जो डेथ हुई बुलक्स की वो अनफॉर्चुनेट थी, दुर्भाग्यशाली वे में। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही अलगू ने कुड नॉट कंटेन, उसने ऐसा सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर, और जोर जोर से कहने लगा। विक्ट्री ऑफ द पंचायत, आज पंचायत की जीत हुई है। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड जो भगवान है वो हमेशा पंचों के दिल में ही रहते हैं। सोन आफ्टर, इसके बाद जुमन केम टू अलगू, जुमन अलगू के पास आया, एम्ब्रास्ड हिम, उसे गले लगाया एंड सर कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत में आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत से मैं अब तक तुम्हारा क्या था, एनिमी, दुश्मन था। टूडे आज आई रियलाइज वट इट मीन टू बी ए पंच, मुझे महसूस हुआ कि पंच का क्या अर्थ होता है। ए पंच हैड नो फ्रेंड नो एनमी, ए पंच का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय को जानता है। लेट नो वन डाइवर्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को भी इस न्याय के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे दुश्मनी। अलगू इम्ब्रास्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, उसने अपने फ्रेंड को गले लगाया और रोया। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और इसके इस आंसुओं ने उनके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको दूर कर दिया। दिस लेसन वॉज रिटन बाय प्रेमचंद। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। जुमन ने सोचा कि उसका दोस्त जो है उसके फेवर में ही उत्तर देगा, इसलिए उसने अपने जोए को छुपा लिया। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, तुम मेरी फ्रेंडशिप से तो परिचित हो जो मेरी जुमन के साथ है, सेट अलगू, अलगू ने कहा। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, आंटी का उत्तर आया यस, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन साथ ही साथ ओल्ड लेडी ने यह भी कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी आत्म संचेतना को अपनी फ्रेंडशिप के लिए किल नहीं करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, क्योंकि भगवान जो है पंचों के दिल में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी जो वॉइस होती है वो वॉइस ऑफ द गॉड होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उस ओल्ड लेडी ने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुमन सेड अलगू, जुमन ने अलगू से कहा,
यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। यू आर आंटी इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी मुझे उतनी ही प्यारी है या प्रिय है जितने की तुम। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड यूर आंट आर इक्वल फॉर बिफोर मी, तुम दोनों ही मेरे सामने इक्वल हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहोगे। 3 years अगो, 3 साल पहले, बिगेन जुमन, जुमन ने कहना शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने भी प्रॉमिस किया था कि जितनी जब तक वो रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूँगा। एंड आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वैसा किया जितना कि मैं कर सकता था। देर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, नाउ अब इन दो के बीच में स्टैव क्वार्स लड़ाई झगड़ा होता है, बिटवीन किसके बीच में, माई वाइफ एंड माई आंट के बीच में। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस, लेकिन अब जो मेरी ये आंटी है मंथली मंथ के खर्चे के लिए अलाउंस मुझसे रिक्वेस्ट करती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल, ये वही है आई हैव टू से जो मुझे कहना था। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स, इसको एग्जामिन किया गया दूसरे पंचों के द्वारा और अलगू के द्वारा। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, कि हम इस मैटर में केयरफुली बड़ी तह तक सावधानी से जाएंगे। इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में जुमन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, कि जुमन को अपनी आंट को मंथली खर्चा देना चाहिए, और ऐसा प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो प्रॉपर्टी वापस उन्हीं के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर शेल्डम सीन टुगेदर, अब वो दोनों मित्र शायद ही कभी एक साथ देखे गए हों। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, जो मित्रता उनके बीच में थी वो अब टूट चुकी थी। इन फैक्ट वास्तव में जुमन वाज अलगू एम एनिमी एंड वांटेड हिज वे, जुमन जो था अलगू का दुश्मन बन चुका था और उसे अपना बदला लेना चाहता था। पार्ट थर्ड, डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड इल लक वुड हैव इट, और बुरा वक्त आया। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी ने अपने आप को टाइट मीन्स टाइट कंडीशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइट, उसके अच्छे जो अच्छे पेयर्स ऑफ बुलक्स मीन्स जो गाड़ी होती है, बैल होते हैं, वो डाइट। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझूशा, और दूसरा जो था उसने उस समझूशा को बेच दिया, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो गांव में ड्राइवर था कार चलाने वाला। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलेट्स इन ए मंथ टाइम, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में ये हुई कि जो वो साहू था बुलक्स उस बैल की कीमत जो है एक मंथ के अंदर अंदर दे देगा। इट्स सो हैपेंड, ऐसा ही हुआ, दैट द बुलक्स डाइड विद इन ए मंथ, और वो एक महीने के अंदर जो बुलक्स थे डाइड मर गए। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ, कुछ महीनों की डेथ के कुछ महीनों बाद, अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने साहू को उस मनी धन के बारे में रिमाइंड करवाया, याद करवाया। ही हैड नॉट येट पेड, जो उसे अभी तक मिली नहीं थी। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू को बहुत गुस्सा आया, अनॉयड मीन्स एंग्री। आई कैन नॉट पे यू ए पैनी फॉर दिस द रेटेड बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तो तुम्हें उसके लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा, यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे भेजा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ट्रेन, उसने हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिया बल्कि नुकसान ही किया है। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बुलक है, यूज़ इट फॉर ए मंथ, एक मंथ के लिए इसका यूज़ कर लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक्स, कोई धन नहीं डेड बुलक्स के लिए, ही सेड एंगरली, उसने गुस्से से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने भी निश्चय किया कि वो इस केस को पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, दूसरी बार कुछ ही महीनों में, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत के लिए जो तैयारियां थी वो तैयार हो गई। बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर स्पॉट्स, दोनों पार्टीज ने लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें स्पॉट मिल सके।
The panchayat was held under the old banyan tree. पंचायत फिर बुलाई गई ओल्ड बनियन ट्री के नीचे. अलगो स्टूड अप एंड सेट, खड़ा हुआ अलगो और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ कोर्ट. लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच. अब साहू ने जो कहा हेड पंच को संबोधित किया. आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं इनके डिसीजन से सहमत हूँ. साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन. साहू ने अपना अवसर देखा और हेड पंच के लिए जुमन का नेम अनाउंस कर दिया. अलगुज हार्ट सेंक. अब जो अलगू था उसका हार्ट सेंक मीन्स डूबना, उसका हार्ट डूबने लगा. एंड ही टर्न पेल, और वो पीला पड़ने लगा. बट वट कुड ही डू, लेकिन अब वो क्या कर सकता था. द मोमेंट जुमन बिकम हेड पंच, वही क्षण अब जुमन जो था वो हेड पंच था. ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचाना एज ए जज के रूप में. द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, और वो उस उच्च स्थान पर बैठकर उस पद की अहमियत को समझा. हैव हिज रिमेन्स नाउ, क्या अब वो अपना बदला लेगा. ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा. नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस. अलगू ने सोचा कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस को सच्चाई के रास्ते में आगे नहीं आने देगा, और जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल सच कहेगा और न्याय करेगा. बोथ अलगू एंड साहू सीटेड देयर केस, दोनों ही अपने केस के बारे में थी. दे वर क्रॉस एग्जामिन किए गए एंड देन द केस वॉज कंसिडर डीपली, और उस केस के बारे में गहराई से विचार विमर्श किया गया, सोचा गया. देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब जुमन ने खड़ा हुआ और अनाउंस किया. इट इज़ आवर ओपिनियन, ये हमारी ओपिनियन है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक्स, कि साहू अलगू को बुलक्स की प्राइस पे करेगा. वैन साहू ब्रोड द बुलक्स, जब साहू ने बुलक्स को ख़रीदा था. इट सफर्ड फ्रॉम डिसएबिलिटी और डिजीज, तो ये बीमारी से ग्रसित था, सफ़र कर रहा था. द डेथ ऑफ द बुलक्स वॉज अनफॉर्चुनेट, जो डेथ हुई बुलक्स की वो अनफॉर्चुनेट थी, दुर्भाग्यशाली वे में. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही अलगू ने कुड नॉट कंटेन, उसने ऐसा सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा. ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर, और जोर जोर से कहने लगा, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, आज पंचायत की जीत हुई है. दिस इज जस्टिस, यही न्याय है. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड जो भगवान है वो हमेशा पंचों के दिल में ही रहते हैं. सोन आफ्टर, इसके बाद जुमन केम टू अलगू, जुमन अलगू के पास आया. इमराज टीम, उसे गले लगाया एंड सर कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत में आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत से मैं अब तक तुम्हारा क्या था, एनिमी, दुश्मन था. टूडे आज आई रियलाइज वट इट मीन टू बी ए पंच, मुझे महसूस हुआ कि पंच का क्या अर्थ होता है. ए पंच हैड नो फ्रेंड नो एनमी, ए पंच का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता. ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय को जानता है. लेट नो वन डाइवर्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को भी इस न्याय के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए. एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे दुश्मनी. अलगू इम्ब्रास्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, उसने अपने फ्रेंड को गले लगाया और रोया. एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और इसके इस आंसुओं ने उनके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको दूर कर दिया. दिस लेसन वॉज रिटन बाय प्रेमचंद. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.